जाते जाते आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो हमारे साथी देख रहे होंगे, वो सारे स्टूडेंट देख रहे होंगे, 8-9 देशों में हमारे चैनल को देखा जाता है, तो उनको क्या संदेश आप देना चाहते हैं? सर, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपनी जड़ों से जुड़े रहें, अपने संस्कारों को ना भूलें और अपने गुरुओं को बहुत सम्मान दें और हमारी कला से जुड़े रहें। हमारा भारतीय संस्कृति, भारतीय नृत्य, भारतीय संगीत और जो हमारी जो भी आर्ट फॉर्म्स हैं उसको हम ना भूलें। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं इस चीज़ों को, संस्कृति को। हरियाणा को भी लेके चलें, ज्ञानचंद जी गुप्ता हैं और जो खट्टर साहब हैं, ये भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं हमारे शास्त्रीय नृत्यों को। और बहुत ज़्यादा अभी ही मेरी धर्मपत्नी, मुझे अभी कुरुक्षेत्रा से आया था फ़ोन कि आप वहाँ पर किसी बच्चों को आके करवाइए। वो थोड़ा सा दूर हो गया तो इसलिए मैं उस असाइनमेंट को ना ले पाया, क्योंकि वो मुझे हफ्ते में 2-3 बार बुला रहे थे। क्योंकि और भी हैं, जैसे अम्बाला है, कुरुक्षेत्र है, यहाँ तक भी हम जाते हैं सिखाने के लिए। जैसे महीने में एक बार अभी गीता महोत्सव, इंटरनेशनल गीता महोत्सव जो होता है कुरुक्षेत्र में, वहाँ पे भी हमने बहुत बड़े स्केल पर, जहाँ पे हेमा मालिनी जी के साथ हमने स्टेज साझा किया था, तो वहाँ पर भी हमने नृत्य दिया था। अलग अलग देशों से वहाँ पे नृत्य के लिए आए थे। बस मेरा यही संदेश है कि अपने धर्म को ना भूलें, अपने संस्कारों को ना भूलें और कल्चर को खूब बढ़ाएं, खूब आगे बढ़ें। मैं यही मैसेज देना चाहता तो हूँ। बहुत बड़ा मैसेज है, सब साथियों से निवेदन है, जो साथी इस वीडियो में जुड़े और बाद में जुड़ेंगे, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। टुडे न्यूज़ के लिए जगरूप सिंह की रिपोर्ट।